HDFC Ergo Optima Secure में आपको इन ट्रीटमेंट्स के लिए एक रुपए का भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। अगर आपने ये प्लान खरीद लिया है या आप खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको आज का वीडियो जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि इस प्लान के बेनिफिट्स और कवरेजेस आपको बहुत सारे YouTube वीडियोस में मिल जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने खुद अपने ब्रोशर में वो कवरेज और बेनिफिट्स बहुत आसान भाषा में आपको बताए हैं, लेकिन जो इलाज कवर नहीं होंगे वो आपको मिलेंगे पॉलिसी वर्डिंग्स में, और वहां से भी उन्हें पढ़ के समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं हरविंदर सिंह आज के वीडियो में आपको एक्सक्लूजन्स यानी कि कवर ना किए जाने वाले ट्रीटमेंट्स का एक एक पॉइंट बताऊंगा, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला एक्सक्लूजन है दोस्तों वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड का मतलब है कि किसी भी इलाज को कवर करने के लिए आपको कितना टाइम वेट करना होगा। इसमें मेजर तीन कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी पॉलिसी खरीदते टाइम जो पहले दिन से आपको बीमारी या दिक्कत है वो आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कही जाएगी, और इनसे जुड़ा हुआ कोई भी इलाज पॉलिसी खरीदने के 36 महीने बाद ही कवर किया जाएगा। इसके लिए एक दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जब आप पॉलिसी खरीदेंगे उस टाइम पे आपको बीमा कंपनी को इनके बारे में जरूर बताना है, नहीं तो इनसे रिलेटेड इलाज 36 महीने बाद भी कवर नहीं होगा। दूसरा, अगर आपने किसी और कंपनी से इस प्लान में पोर्ट किया है, यानी दूसरी कंपनी की आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, अभी आपने वो चेंज करके ऑप्टिमा सिक्योर प्लान लिया है, तो जो पिछली पॉलिसी का जो टाइम था 1 साल 2 साल जो भी आपने वो पॉलिसी रखी है वो भी इस 36 महीने में काउंट किया जाएगा, और उसके बाद आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी कवर हो जाएंगी। अब दूसरी कैटेगरी है दोस्तों स्पेसिफिक इलनेस। ये कुछ खास तरह की बीमारियां हैं जो अभी आपको स्क्रीन पे है, जो लिस्टेड है आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, ये भी आपको दिखेंगी। ये 24 महीने के बाद कवर की जाएंगी, जब आप पॉलिसी खरीदते हैं उससे 24 महीने के बाद। इसमें भी सेम वही है कि अगर आपने किसी और कंपनी से पॉलिसी पोर्ट की है इस प्लान में तो पिछली पॉलिसी का टाइम भी इसमें काउंट किया जाएगा, और अगर कोई ऐसी बीमारी है जो आपके पीईडी यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की कैटेगरी में भी आती है और स्पेसिफिक इलनेस की कैटेगरी में भी आती है, तो जिसका वेटिंग पीरियड ज्यादा है वो इस पे एप्लीकेबल होगा। इस कैटेगरी में जनरली जो डिजीज आती है वो है किसी भी तरह की गांठ, स्टोन, किडनी स्टोन, गाल बेटर स्टोन, अपेंडिक्स, हर्निया, पाइल्स, ये सब स्पेसिफिक डिजीज में काउंट की जाती हैं, तो इनसे जुड़ा हुआ इलाज 24 महीने के बाद ही आपका प्लान कवर करेगा। और जो फाइनल वेटिंग पीरियड है दोस्तों वो है स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन है 30 डेज का, यानी पॉलिसी खरीदने से लेकर 30 दिन तक कोई भी बुखार, इन्फेक्शन जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोविड, ये कोई भी कवरेज आपको नहीं मिलेगी। 30 दिन के बाद ही इनसे रिलेटेड ट्रीटमेंट आप कवर कर सकते हैं। अगली कैटेगरी है दोस्तों इन्वेस्टिगेशन एंड इवेल्युएशन, यानी आप खाली अपने शरीर की जांच करवाने के लिए कोई टेस्ट करवा लेते हैं कि कोई दिक्कत है या नहीं है और उसमें कुछ नहीं निकलता है, तो इस तरह के जो टेस्ट करवाए जाते हैं इनका पैसा इंश्योरेंस कंपनी कभी भी कवर नहीं करेगी। हाँ, अगर जांच करवाने के बाद कोई दिक्कत परेशानी मिल जाती है, मेडिकल कोई दिक्कत रहती है, तो उसके लिए आप एडमिट होते हैं, इलाज लेते हैं, तो इन टेस्ट का भी खर्चा आपको मिल जाएगा। लेकिन कोई ऐसा टेस्ट है जो आपके इलाज से रिलेटेड नहीं है, जिसका ट्रीटमेंट आपने लिया है उससे रिलेटेड वो टेस्ट नहीं है, तो उसका भी खर्चा इसमें कवर नहीं होगा। अगला एक्सक्लूजन है दोस्तों रेस्ट क्योर, रिहैबिलिटेशन एंड रिस्पाइट केयर। जब डॉक्टर ने पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया होता है उसके बाद वो पेशेंट को बोलते हैं कि आपको सिर्फ बेड रेस्ट की जरूरत है जिसमें आप रिकवर हो सके, तो बेड रेस्ट के दौरान बहुत से कामों के लिए आपको प्रोफेशनल नर्स या ट्रेंड अटेंडेंट रखना पड़ सकता है, जिसमें वो उनका नहलाना धुलाना है, उनको खाना खिलाना है, ड्रेसिंग करनी है, उनकी पट्टियां चेंज करनी है, ये सारे काम उन्हें करने होते हैं। तो इस तरह के जो ट्रेंड नर्स और अटेंडेंट्स होते हैं इसका खर्चा आपकी ये पॉलिसी कवर नहीं करेगी। या कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी ट्रीटमेंट के बाद, बहुत बड़ी इंजरी के बाद पेशेंट ट्रोमा में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो किसी भी तरह की सोशल, साइकोलॉजिकल या फिर इमोशनल ट्रीटमेंट या थेरेपी के लिए भी इसमें कोई कवरेज नहीं है। ओबेसिटी एंड वेट कंट्रोल, यानी मोटापे की सर्जरी, बैरियट्रिक सर्जरी भी इसे कहा जाता है, ये वैसे कवर नहीं है, लेकिन अगर इसमें कोई पेशेंट ये सर्जरी कवर करवाना चाहता है तो 4 कंडीशंस को इसमें फुलफिल करना होगा। सबसे पहला तो ये है कि डॉक्टर की एडवाइस हो कि इन्हें जिंदा रहने के लिए ये मोटापे वाली सर्जरी करवाना जरूरी है। दूसरा, ये सर्जरी पूरा क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स के अंडर करवानी चाहिए, यानी जो प्रोसीजर है वो मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। तीसरा, जो पेशेंट की एज है वो 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। और फोर्थ आता है बॉडी मास इंडेक्स को लेकर, यानी जो पेशेंट का BMI इंडेक्स है वो 40 या उससे ज्यादा होना चाहिए। 35 के BMI इंडेक्स में भी ऑपरेशन हो सकता है अगर पेशेंट को कोई ऐसी डिजीज है जिससे उसका वेट कम नहीं हो पा रहा है, जैसे ही कोई हार्ट डिजीज है, स्लीप एपनिया है, या फिर टाइप 2 डायबिटीज है जिससे उनका वेट कम नहीं हो पा रहा है, तो बेरिएट्रिक सर्जरी 35 के BMI इंडेक्स में भी की जा सकती है। चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट, यानी कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट जो आपके अपोजिट सेक्स से रिलेटेड है, आप उस कैरेक्टरिस्टिक की कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो वो भी ये पॉलिसी कवर नहीं
नहीं करेगी। कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी, अगर आप अपने फेस के या किसी बॉडी पार्ट को ब्यूटीफाई करवाने के लिए कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहते हैं तो ये प्लान उस सर्जरी को सपोर्ट नहीं करेगा, उस सर्जरी के एक्सपेंसेस कवर नहीं करेगा। हाँ, किसी एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने कहा है कि प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, या कोई जल जाता है, बर्न्स हो जाते हैं, उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है जो कि मेडिकल जरूरत है, या फिर किसी कैंसर या किसी और ट्रीटमेंट के दौरान आपको प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ती है जो कि मेडिकली बहुत जरूरी है, तो उसमें प्लास्टिक सर्जरी कवर होगी, ब्यूटिफिकेशन के लिए इसका पैसा नहीं मिलेगा। हजार्डस एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये इस तरह की खेल और एक्टिविटीज हैं जिनमें बहुत ज्यादा जोखिम होता है, जैसे कि पैराग्लाइडिंग है, बंजी जंपिंग है, मोटर रेसिंग है, डीप सी डाइविंग है। आपने कुछ दिन पहले सुना भी होगा, न्यूज में आया था कि एक पनडुब्बी टाइटेनिक का मलबा देखने के लिए समुद्र में गई थी, जिसमें पनडुब्बी की कंपनी के मालिक भी खुद सवार थे, और वहां पे किसी टेक्निकल खराबी के कारण वो पनडुब्बी अंदर ही इंप्लोड हो गई यानी क्रश हो गई, और उसमें उस कंपनी के मालिक की भी मृत्यु हो गई थी, बाकी सब लोग भी उसमें मर गए थे। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं जिनमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, इससे रिलेटेड अगर कोई ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है, कोई चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उसको ये प्लान कभी भी कवर नहीं करेगा। ब्रीच ऑफ लॉ, यानी जो बीमित व्यक्ति है वो किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल है जो कि इल्लीगल है, मान लो कोई जो इंश्योर्ड है वो कोई बैंक लूट के भाग रहा है, एटीएम की मशीन उखाड़ के वो ले जा रहा है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस दौरान जो इंजरी हुई है उसे इंश्योरेंस कंपनी का ये प्लान कवर नहीं करेगा, क्योंकि जो उसकी बेस एक्टिविटी है वो इल्लीगल है, तो उसकी मेडिकल जो इंजरीज को कवर करना जस्टिफाइड नहीं है। एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ये वो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स हैं जो कंपनी ने ब्लैकलिस्ट कर दिए हैं। रीजन क्या है, यानी इनकी कोई भी प्रोसेस जो है वो ठीक नहीं है, जैसे कि क्लेम की प्रोसेस है, बिलिंग की प्रोसेस है, ट्रीटमेंट की प्रोसेस है, उसमें कुछ ना कुछ डाउट्स कंपनी को लगते हैं, तो इसलिए कंपनी ने इन डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को एक्सक्लूडेड लिस्ट में डाल दिया है, और ये लिस्ट आपको कंपनी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो आपको ये कोशिश करनी है, जब भी आप ट्रीटमेंट लें तो एक्सक्लूडेड लिस्ट वाली हॉस्पिटल्स में आपका हॉस्पिटल ना हो। अगर आप यहां पर ट्रीटमेंट लेंगे तो कोई भी क्लेम कंपनी एंटरटेन नहीं करेगी। हाँ, इसमें एक एक्सीडेंट का क्लोज जरूर है कि अगर किसी एक्सीडेंट के बाद इमरजेंसी में एक्सक्लूडेड वाली लिस्ट में हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को ले जाया जाता है तो शुरुआती जो ट्रीटमेंट है फर्स्ट एड उनको दे दी जाएगी, लेकिन जब तक उनकी हालत स्टेबलाइज होती है वही वाला ट्रीटमेंट इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी, पूरे इलाज का क्लेम उस हॉस्पिटल में कवर नहीं किया जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहोलिज्म एंड अदर ड्रग अब्यूज, कोई भी नशे से रिलेटेड ट्रीटमेंट है, नशा ज़्यादा करने की वजह से शरीर में कोई नुकसान हुआ है, नशा छोड़ने के बाद विड्रॉल सिम्टम्स हैं, या कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट जो नशे से जुड़ी हुई है, वो ये प्लान कभी भी कवर नहीं करेगा। ट्रीटमेंट इन नेचर केयर क्लिनिक्स एंड स्पास, ये वो इस तरह की फैसिलिटी होती हैं, जैसे अपने इंडिया में, साउथ इंडिया में आप जाएंगे, केरला में आपको बहुत सारे ऐसे रिजॉर्ट्स मिलेंगे, 5-स्टार रिजॉर्ट्स ही होते हैं, जहां आपके रुकने की सुविधा तो होती ही है, साथ साथ में आप यहां पे बहुत सारी नेचुरोपैथी और साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं, और उनके मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं, आपकी बॉडी तरोताज़ा हो जाती है, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन इस तरह की जो अपनी बॉडी को आप ट्रीटमेंट्स देते हैं, क्योंकि ये मेडिकली ज़रूरी नहीं है, तो वो भी इस प्लान में कवर नहीं होंगे। डाइटरी सप्लीमेंट्स जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स, ये भी कवर नहीं होंगे, ये सिर्फ दो ही कंडीशंस में कवर किए जाएंगे। पहली कंडीशन तो ये है, अगर किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किए हैं तब ये प्लान इन्हें कवर करेगा, और दूसरा ये किसी ट्रीटमेंट का अगर हिस्सा है, आपने इलाज करवाया था, रिकवरी के दौरान डॉक्टर ने बताया कि आपको ये मल्टीविटामिन और मिनरल्स लेने पड़ेंगे, तो भी इन्हें ये कंपनी कवर करेगी। अगर आप डायरेक्टली वैसे खरीद के ये ले लेते हैं तो इस प्लान में इन्हें कवर नहीं किया जाएगा। रिफ्रैक्टिव एरर यानी नजरों का कमजोर होना, नजदीक का अच्छे से नहीं दिखता या दूर की नजर कमजोर हो गई है, तो उसके लिए अगर लेजर सर्जरी करवाना चाहते हैं तो क्या ये प्लान वो सर्जरी कवर करेगा? ये प्लान वो सर्जरी कवर कर लेगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, जो आपकी नजर की कमजोरी है उसकी यूनिट 60.5 डायोप्टर से ज्यादा होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो इसे मेडिकल जरूरत नहीं माना जाएगा और वो कवर नहीं होगी। अगर 60.5 डायोप्टर से ज्यादा है आपकी नजर की कमजोरी की यूनिट, तो ये सर्जरी कवर की जा सकती है। अनप्रूवन ट्रीटमेंट्स, यहां बहुत सारे क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं इस वाले रीजन की वजह से। मान लो मेरे पेट में दर्द होता है, मैं जाता हूं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने फटाफट से ग्लूकोज लगा दिया है, पेन किलर दे दी है, साथ में अपना एंटीबायोटिक शुरू कर दी है, और कल तक जब तक मेरी रिपोर्ट्स के रिजल्ट आते हैं उनका 35-40 हज़ार रुपए बिल बन जाता है। अब मेरी रिपोर्ट्स में देखते हैं कि उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई पथरी नहीं है, कोई गांठ नहीं है, किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं है, तो डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि माइल्ड पेन के साथ एडमिट हुए थे और हमने ये इलाज दे दिया, जबकि आपकी रिपोर्ट्स में कुछ भी जस्टिफिकेशन नहीं है इस ट्रीटमेंट की। तो ये वाला क्लेम अनप्रूवन ट्रीटमेंट है, यानी आपकी जो रिपोर्ट्स और टेस्ट हैं वो आपकी ट्रीटमेंट को जस्टिफाई नहीं करते, तो इस तरह के जो क्लेम्स हैं वो भी कवर नहीं होंगे। अब तक जो लिस्ट थी ना दोस्तों, ये थी जनरल एक्सक्लूजन, जो इस पॉलिसी में कवर नहीं होंगे। अब मैं आपको इस पॉलिसी के स्पेसिफिक एक्सक्लूजन बताने वाला हूं, जो कंपनी ने खुद एक एक नाम लेके
ट्रीटमेंट बताई है कि ये हम कवर नहीं करेंगे। इसमें पहला नाम है वॉर का, यानी अगर देश में कोई युद्ध छिड़ जाता है जिसमें फॉरेन एनिमी कोई हमारे ऊपर अटैक कर देता है, चाहे वो न्यूक्लियर वॉर है, बायोलॉजिकल वॉर है, तो वो कोई भी इससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो इस प्लान में कवर नहीं होगी। दूसरा है सेल्फ इंजरी, अगर आप खुद को चोट पहुंचाते हैं, जो बीमित व्यक्ति है खुद को चोट पहुंचाता है, सुसाइड यानी खुदकुशी की कोशिश करता है, वो भी इसमें कवर नहीं की जाएगी। अगला पॉइंट है एग्रीगेट डिडक्टिबल का, यानी अगर आप डिडक्टिबल का ऑप्शन चूज करते हैं जिसमें आपको एक लिमिट चूज करनी होती है, वहां तक का इलाज का पैसा आप अपनी पॉकेट से पे करते हैं, उसके बाद की ही कवरेज आपको इंश्योरेंस कंपनी देती है, तो जो एग्रीगेट डिडक्टिबल की लिमिट है वहां तक का इलाज भी आपको खुद पे करना होगा, इंश्योरेंस कंपनी उसे पे नहीं करेगी। अगर आप किसी भी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं, वहां कोई इंजरी हो जाती है, वो भी ये प्लान कवर नहीं करेगा। अगर कोई जन्मजात दिक्कत है, कोई बीमारी है या कोई बॉडी में डिफेक्ट है, वो भी इस प्लान में कवरेज नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वैक्सीनेशन, टीकाकरण। बच्चे का जो वैक्सीनेशन है वो 1 महीने से शुरू होता है और उसके बाद होते होते 15 साल तक बच्चे के वैक्सीनेशन की जाती है, तो किसी भी तरह की वैक्सीनेशन इसमें कवर नहीं है, सिर्फ एक एनिमल बाइट को छोड़ के, यानी कोई बंदर काट ले, अगर कुत्ता काट लेता है उसके बाद जो वैक्सीनेशन होती है वो इस प्लान में कवर होगी, उसके अलावा कोई भी वैक्सीनेशन कवर नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ओपीडी, यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आप डायरेक्टली डॉक्टर को जाके दिखाते हैं, डॉक्टर ने बुखार डायग्नोज किया, 3 दिन की आपको दवाइयां दे दी और आप ठीक हो जाते हैं, तो इस तरह के जो इलाज हैं जिसमें आपको एडमिट नहीं होना पड़ा और आपको कोई मेजर दिक्कत नहीं थी, सिर्फ छोटा मोटा कोई बुखार या परेशानी थी और वो दवाई लेने से ही ठीक हो जाती है, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की ट्रीटमेंट भी कवर नहीं की जाएंगी। नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस यानी कि कंज्यूमेबल्स, ये वो खर्चे हैं जो मेडिकल नेचर के नहीं होते हैं, जैसे कि बेबी फूड, अटेंडेंट चार्जेस, लॉन्ड्री चार्जेस, ये खर्चे मेडिकल ट्रीटमेंट में इन्हें कवर नहीं किया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में पेशेंट के रहने के दौरान ये खर्चे हो जाते हैं। ये टोटल जो हैं खर्चे आपको एनेक्सर बी की लिस्ट में मिल जाएंगे, इस लिस्ट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसमें जो जो आइटम्स लिस्टेड हैं उन सब का क्लेम आपको इस हेड के अंडर नहीं मिलेगा। अगली कैटेगरी है दोस्तों अगर आप कोई भी कॉन्टैक्ट लेंस फिट करवाते हैं, चश्मे बनवाते हैं या हियरिंग एड यानी सुनने की मशीन अगर आप खरीदते हैं, तो वो भी इस प्लान में कवर नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी सर्जरी या ऐसा खर्चा है जो आपकी बाल्डनेस से रिलेटेड यानी गंजेपन से रिलेटेड है, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट है, विग्स खरीदना है या हेयर इम्प्लांट्स लगाना है, तो इस तरह की कोई भी सर्जरी, ट्रीटमेंट या कोई भी सामान इसमें कवर नहीं किया जाएगा। कोई भी आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट है, जैसे नकली हाथ, नकली पैर, सहारा लेके चलने के लिए स्टिक या फिर व्हीलचेयर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिनको COPD है यानी सांस लेने में जिन्हें तकलीफ है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की अगर मशीन लेते हैं, तो इस तरह के खर्चों के लिए भी कवरेज इस प्लान में नहीं मिलेगी। और फाइनली कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो मेडिकली जरूरी नहीं है, अगर वो लिया जाता है और उसके लिए क्लेम दर्ज किया जाता है, तो वो क्लेम कंपनी पास नहीं करेगी। दोस्तों ऑप्टिमा सिक्योर के एक्सक्लूजन शूट करते टाइम मैं 2 पॉइंट मिस कर गया हूं, वो मैं दोबारा शूट कर रहा हूं। पहला पॉइंट है मैटरनिटी का, यानी चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट है वो ये प्लान कवर नहीं करेगा, चाहे कोई कॉम्प्लिकेशन है या कोई भी डिलीवरी है। इसमें मिसकैरेज के चार्जेस भी कवर नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ 2 केसेस हैं जहां पर मिसकैरेज के चार्जेस कवर किए जा सकते हैं। पहला है अगर किसी एक्सीडेंट से मिसकैरेज होता है तो वो चार्जेस ये पॉलिसी कवर करेगी। दूसरा अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, यानी किसी मेडिकल रीजन से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, तो वो चार्जेस भी ये पॉलिसी कवर करेगी। अगला एक्सक्लूजन है दोस्तों स्टेरिलाइजेशन एंड फर्टिलिटी रिलेटेड ट्रीटमेंट, यानी कि आप परिवार नियोजन से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट है जैसे कि नसबंदी, वो करवाना चाहते हैं तो वो ये प्लान कवर नहीं करेगा। अगर पहले नसबंदी हो चुकी है, वापस से आप उसे रिवर्स करवाना चाहते हैं, तो वो भी ट्रीटमेंट इस प्लान में कवर नहीं होगी। नॉर्मली बेबी कंसीव नहीं होते हैं तो उसके लिए असिस्टेड रिप्रोडक्शन का सहारा लेते हैं, डॉक्टर की मदद से प्रेगनेंसी ली जाती है, तो उसके लिए IVF जैसी ट्रीटमेंट्स हैं वो भी ये पॉलिसी कवर नहीं करेगी, ये भी इस प्लान के एक्सक्लूजन में ही रहेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको वो सारे पॉइंट्स एक्सक्लूजन के बता दिए हैं जो आपकी पॉलिसी वर्डिंग्स में लिखे गए हैं, यानी अब आपको पॉलिसी वर्डिंग एटलीस्ट इन एक्सक्लूजन्स के लिए तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वो एक एक पॉइंट है जो कंपनी कवर नहीं करेगी, जिनका इलाज का पैसा आपको नहीं मिलेगा, इसमें एक भी पॉइंट मैंने मिस नहीं किया है और बिल्कुल जो इजीएस्ट लैंग्वेज है, आसान से आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। अगर फिर भी इन पॉइंट से रिलेटेड कोई आपका सवाल है या कोई अलग ऐसा ट्रीटमेंट या कवरेज है जो आपके ध्यान में आता है और आप मेरे से पूछना चाहते हैं, आप अभी तुरंत इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मुझे उसका जवाब देकर बहुत खुशी होगी। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको लगता है मैंने आपके लिए कुछ वैल्यू क्रिएट की है, आपकी कुछ नॉलेज बढ़ी है या आपको प्लान खरीदने में या इसको इस्तेमाल करने में आसानी होगी, तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।